प्राकृतिक आपदा झेल रहे जोशीमठ में अब मौसम ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद बर्फस्तान जैसे हालात ने लोगों की परेशानी पहले से और ज्यादा बढ़ा दी है। दरार आने के बाद लोगों को घर छोड़ना पड़ा। अब तक 258 परिवार को राहत शिविर में रखा गया है। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि राहत शिविर में सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन घर जैसी सुविधा तो नहीं हो सकती। ऊपर से कपकपाती ठंड और बर्फबारी ने लोगों को और परेशान कर दिया है। हम जो हमारी टीम्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और पुलिस की टीम है, SDRF है, ये सब अलर्ट पर है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए हमारी टीम तैयार है और अलर्ट पर है। जोशीमठ में बर्फबारी के चलते घर और इमारत को गिराने का काम बंद कर दिया गया। बर्फबारी थमने के बाद ही आगे के काम को शुरू किया जाएगा। रात में स्नोफॉल हुआ है और बारिश हो रही है, तो उसको देखते हुए जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं वो अभी भी राउंड पर हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ठंड को लेकर अगर कोई आवश्यकता है, चाहे वो कंबल है, चाहे वो अलाव की व्यवस्था है, और इस तरह की सभी व्यवस्थाओं के लिए हमारी और हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लगातार टच में हैं। मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक जोशीमठ समेत चमोली के दूसरे हिस्सों और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी के अनुमान लगाए हैं। बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है, खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने अपना घर छोड़ा है। वैसे तो इस आपदा के कारणों को जानने के लिए सरकार के 8 संस्थान काम कर रहे हैं। पुख्ता इनपुट के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, लेकिन लोगों के जहन में कई सवाल है। मसलन, पुनर्वास का क्या फॉर्मूला होगा? उन्हें अपना इलाका तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।